फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो के स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशिफल, जानकारी देंगे आपको मूलांक और नाम के आधार पर कुछ सिंपल उपायों की जो आपके जीवन को सरल बना देंगे। बात करेंगे शुभाशुभ की, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ। ऐसे में शुभ को अपनाना है और अशुभ को त्याग देना है, यही है सक्सेस मंत्र। बताएंगे आपको सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र, एक ऐसा उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, किसी खास समस्या को दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 25 जून 2024, तिथि रहेगी चतुर्थी, तिथि अंक रहेगा 4, नक्षत्र रहेगा श्रवण, नक्षत्र अंक रहेगा 4, मूलांक दिन का रहेगा 6 और भाग्यांक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला और अशुभ रंग रहेगा हरा। तो ऐसे में पीले के प्रयोग को करें ज़्यादा और अशुभ रंग जो हरा है उसके प्रयोग को ना करें। शुभ दिशा रहेगी ईशान और अशुभ दिशा रहेगी उत्तर, तो ऐसे में उत्तर दिशा के ट्रेवल करने से बचें और कोई भी शुभ काम उत्तरमुखी होकर के ना करें। दिन का सबसे अशुभ समय रहेगा शाम को 3:53 से लेकर शाम को 5:38 तक, इस अवधि में कोई भी शुभ इंपॉर्टेंट काम ना करें। और दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 6:33 से लेकर रात को 8:37 तक, इस अवधि में किए गए काम सफल रहेंगे। विशेष क्या है, कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है, मंगलवार और चतुर्थी का जब कॉम्बिनेशन आ जाए तो इसे कहते हैं अंगारक चौथ या मंगला चौथ। ऐसे में गणपति का ये विशेष दिन है, ऐसे में हमारा नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र भी भगवान गणपति से ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल मूलांक 1 के साथ। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम AJS से शुरू होता है, पिता से वैचारिक मतभेद होंगे, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन लाभ की बेहतर स्थिति बनेगी, कारोबार में कुछ परेशानी आएगी। उपाय ये करें बैल या सांड को गुड़ खिलाएं। मूलांक 2 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 2/11/20 से 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम BK या T से शुरू होता है, भाषा पर काबू रखें, घर के साथ सज्जा पर खर्चा होगा, घर में मेहमानों का आगमन होगा, नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। उपाय ये करें कि दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। मूलांक 3 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम CL या U से शुरू होता है, वाद विवाद में ना पड़े, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों को लेकर दुविधा में रहेंगे, चोट चपेट लगने के योग हैं, सतर्क रहें। उपाय क्या करें, पीपल के नीचे चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मूलांक 4 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम DM या V से शुरू होता है, दोस्तों की सलाह से लाभ होगा, कारोबार में बड़ा निर्णय लेंगे, नौकरी पेशा के लिए समय अच्छा है, सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी जरूरतमंद को मीठा भोजन करवाएं। मूलांक 5 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 5/14/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम EN या W से शुरू होता है, रुके हुए काम पूरा करने का प्रयास करेंगे, उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में सुधार होगा, यात्रा के योग हैं। उपाय ये करें कि तुलसी के पौधे पर मीठा जल चढ़ाएं। मूलांक 6 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FOX से शुरू होता है, आय में वृद्धि के साथ साथ खर्चे में वृद्धि होगी, पेट के रोगों से परेशान रहेंगे, नौकरी में अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि महालक्ष्मी पर लाल फूलों की माला चढ़ाएं। मूलांक 7 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7/16/25 तारीख को हुआ है जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है, घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे, कारोबार में बने बनाए काम रुकेंगे, दाम्पत्य में गलतफहमी होगी, संतान के कारण मन दुखी रहेगा। उपाय ये करें कि किसी धर्म स्थल में लाल पताका चढ़ाएं। मूलांक 8 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8/17/26 तारीख को हुआ है जिनका नाम HQ या Z से शुरू होता है, कार्य क्षेत्र में बेहतर माहौल रहेगा, धन लाभ के योग हैं, बड़ी कारोबारी डील होने के योग हैं, घर पर मेहमान आएंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय क्या करें, हनुमान मंदिर में काजल चढ़ाएं। मूलांक 9 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9/18/27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। क्या उपाय करें, हनुमान बाहुक का पाठ करें। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। तो देखिए विशेष रूप से क्या करेंगे आप, मंगलवार का दिन है, बड़ा विशेष ये दिन है, ऐसे में विशेष रूप से मंगला चौथ है, ऐसे में क्या करें, गणपति का पूजन करें, गणपति पर लाल फूल गुड़ दुर्वा चढ़ाएं, गरीब को गन्ने का रस पिलाएं, गाय को गेहूं खिलाएं,
तांबा शहद गुड़ खरीदें, आग का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, नारंगी कपड़े पहनना शुभ रहेगा, ईशान दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात कर लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए, अत्यधिक आराम ना करें, बुजुर्गों की अनदेखी ना करें, हरे रंग के कपड़े ना पहनें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, नए काम की शुरुआत ना करें, तिल का दान और उपयोग ना करें और उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों, अब समय है नामांक स्पेशल उपाय का और नामांक स्पेशल मंत्र का। तो देखिए, विशेष रूप से खास दिन है, ये संकष्टि चतुर्थी है, कृष्ण पिंगल संकष्टि चतुर्थी। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए गणपति का पूजन करें और 6 पीपल के पत्तों पर सिंदूर से गम लिखकर गणपति पर चढ़ा दीजिए, सारी बीमारियों से निश्चित छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं नामांक स्पेशल मंत्र की। तो अमंगल के नाश के लिए क्या करें आप, लाल चंदन की माला से गणपति का विशेष मंत्र ओम मंगलदाय नमः इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से मंगल का नाश होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।